फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ईकेएस फॉर पब्लिक। सो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक मूवी टीजर का रिव्यू, रिएक्शन एंड ब्रेकडाउन। और मैं आपको बता दोस्तों कि आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही मैं चाहूंगा कि आप मेरी पुरानी हंड्रेड्स ऑफ वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी बेहतरीन वीडियो बनाई है मैंने, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहले देखेंगे कि मूवी का टीजर कैसा है, फिर उसके बारे में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। और ऑफ कोर्स कि इस मूवी के बारे में ज़्यादा बातें बताने लायक है नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल्स कमेंट्स है वो अभी तक इतने क्लीन नहीं आए हैं कि स्टोरी किसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी ट्रू इंसिडेंट पे है, कुछ लोग कहते हैं कि फिक्शनल है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़े दिनों बाद हमको जैसे ही पता चलेगा मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा इस मूवी के बारे में। और अभी मेरे को मुझे इतना पता, ऑफकोर्स मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतनी सारी बातें जितनी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एक केस फॉर पब्लिक। तो दोस्तों, पहले हम लोग इसका टीजर देखते हैं कैसा है। काफी बेहतरीन है इसका बैकग्राउंड सॉन्ग, सही लीड रोल वाला दिलीप। Kammara Sambhavam, we meet again. Idore kadayalla. अच्छा, जो लीड रोल का नाम इसमें दिया गया है वो कम्मारन है। चरित्र सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इसका 1:18 का कुछ टीजर था, जो कि काफ़ी बेहतरीन था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऑसम ट्रेलर था, और जितना भी उस ट्रेलर में कैरेक्टर्स दिखाए गए वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाए गए। और जैसे कि हमको दिखाया गया कि जो लीड रोल है वो जेल में था और फिर उसको जेल से रिहा हो रहा है, तो उसके बारे में वो कुछ करेगा। और ऑफकोर्स जो लीड रोल का नाम इसमें बताया गया है कमारन नंबे, ऐसा कुछ नाम बताया गया है, तो लीड रोल का नाम ही हो सकता है। और जो सिद्धार्थ है वो इसमें एक शायद तक हो सकता है कि विलन का कैरेक्टर निभा रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो सिद्धार्थ को जो कास्ट की पोजीशन रहती है उसमें सेकंड नंबर दिया गया है दिलीप के बाद। दिलीप यानी कि जो लीड रोल निभा रहे इसमें उनका नाम है, और सिद्धार्थ को सेकेंड रोल दिया गया। और सिद्धार्थ को मेरे हिसाब से तमिल इंडस्ट्री के साथ साथ में इंडियन इंडस्ट्री भी काफ़ी जानती होंगी, उन्होंने जो कैरेक्टर रंगदे बसंती में निभाया था, या फिर जो स्ट्राइकर उनकी मूवी आई थी वो, या फिर अभी हाल फिलहाल में 2017 में एक और उनकी हॉरर मूवी आई थी द नेक्स्ट डोर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ नाम था उसका द नेक्स्ट डोर, तो वो उसमें भी काफ़ी बेहतरीन उन्होंने काम किया था, तो उनका काम काफ़ी बेहतरीन रहता है, एक्टिंग काफ़ी उनकी अच्छी रहती है। रंगदे बसंती में हमने देखा उनको एक्टिंग करते हुए, और जो अभी 2017 में द नेक्स्ट डोर आई थी वो भी काफ़ी बेहतरीन मूवी थी, लेकिन ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली थी और जितनी ज़्यादा उसको प्रोडक्शन वैल्यू थी नहीं, तो ऑफ कोर्स मूवी को कोई देखने नहीं गया। वैसे वो मूवी काफ़ी बेहतरीन थी 2017 में, अगर आपने कोई मूवी मिस की होगी और आप देखना चाहते होंगे तो ऑफकोर्स सिद्धार्थ की द नेक्स्ट डोर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। और हम लोग बात करते हैं इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर की जो शुरुआत में एक लेडी दिखाई देती है, ऑफकोर्स वो थोड़े से रॉबी लुक में दिखाई देती है, तो ऑफकोर्स उसका नाम नमिता प्रमोद है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भानुमति है वो नाम से इस मूवी में जानी जाएगी, और उसी के साथ में फिर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो हमको पता चलता है सिद्धार्थ और दिलीप यानी कि ओथेनम और कमारन ये दो कैरेक्टर है, ओथेनम सिद्धार्थ का नाम है इस मूवी में जो दिया गया है। ऑफकोर्स उनके दोनों के सरनेम एक जैसे है तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों रिलेटिव हो या भाई हो, ऐसा हो सकता है। और ऑफकोर्स इसी के बाद में हमको कुछ और भी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बॉबी सिन्हा भी इसमें दिखाई देते हैं और श्वेता मेनन, शायद वो किसी की पत्नी हो सकती है। मुझे लगता है कि दिलीप की जो पत्नी का रोल है वो शायद श्वेता मेनन निभाएगी। उनका नाम इस मूवी में मलयाई महेश्वरी दिया गया है। और ऑफकोर्स आपको बता दूँ कि दिलीप नाम से अगर आप वाकिफ नहीं होंगे तो उनका असली नाम दिलीप नहीं है, उनका नाम गोपी राम नत्थम ऐसा कुछ नाम है उनका, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री में वो ज़्यादातर कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, ऐसी मूवीज़ वो काफ़ी कम करते हैं, कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और ऑफकोर्स सिद्धार्थ काफ़ी बेहतरीन एक इंसान भी है इसी के साथ में, और एक्टर तो वो बेहतरीन है ही, इसी के साथ में वो कुछ प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं और कुछ मूवी में उन्होंने डायरेक्शन वर्क भी किया हुआ। और अगर बाकी चीज़ों की बात करूँ तो ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्शन वर्क बीच में ही लिख के आ गया था कि डायरेक्शन मुरली गोपी का है और वो रितिश अंबाट का है, और ऑफकोर्स इसको लिखा है मुरली गोपी ने। मुरली गोपी का भी इस मूवी में एक कैरेक्टर है, जी हाँ दोस्तों, मुरली गोपी का भी एक कैरेक्टर दिया गया है इस मूवी में, तो उसका भी कैरेक्टर ज़रूर होगा। और इस मूवी की बात करें तो मूवी की जो शूटिंग हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोची में हुई है और थेनी में भी हुई है, तमिलनाडु में पड़ता है तो थेनी में भी हुई है कुछ आखिरी के लास्ट शॉट्स। और ऑफकोर्स मतलब हम लोग कह सकते हैं कि तमिलनाडु में इसकी पूरी शूटिंग हुई है। और ऑफकोर्स इसकी जो बाकी चीज़ों की बात करें हम लोग तो इसके जो कास्ट मेंबर हैं वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बेहतरीन चेहरे, और मलयालम इंडस्ट्री में तो काफ़ी लोग इन सारे चेहरों से वाकिफ होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, दिलीप सिद्धार्थ का ये डिबेट है जी हाँ, मलयालम में ये पहली मलयालम मूवी होगी, इससे पहले तमिल में उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की और तमिल फिल्मों से उन्होंने डिबेट किया था, और जो बॉलीवुड फिल्म से डिबेट किया था वो शायद तक रंगदे बसंती थी। और उसके बाद में अगर बाकी नामों की बात करूँ तो मुरली गोपी जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो भी इस मूवी में है, और इस मूवी के एक कैरेक्टर है जिनका नाम केवी नंबर है, और उसी के साथ में फिर बॉबी, श्वेता मेनन, नम्रिता प्रमोद और काफ़ी सारे और भी नाम हैं, दिव्य प्रभा, और इसी के साथ में एंडी को और सिमरजीत सिंह, इसी के साथ में संतोष और वनीता, और इसी के साथ में दिव्य प्रभा और सुधीर कर्मा, और इसी के साथ में विनय फ्रोट, सिद्धकी वो भी आपने काफ़ी कैरेक्टर्स में देखा होगा पहले भी, और इंद्रंश और विजय गावन, और इसी के साथ में मणिकुत्तम, और काफ़ी सारे और भी लोग हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कमरान की मूवी है उस कैरेक्टर पे ये मूवी बनी हुई है, और मैं आपको दोस्तों कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी होंगी, मतलब कोई कमरान नाम का कोई कैरेक्टर है जिस पर बेस्ड ये मूवी है, और ये रियल इंसिडेंट पे मूवी बताई जा रही है। तो ऑफकोर्स पता नहीं नाम सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो कमरान नाम से ऐसा कोई मिला नहीं मुझे, और पता नहीं किस बेस्ड पे रियल इंसिडेंट्स पे बनी है, क्योंकि ऑफिशियली अब तक कुछ लीक नहीं हुआ, और इतनी भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो भी काफ़ी मेहनत से ढूंढी है मैंने, बहुत मुश्किल से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका नाम क्या है इस मूवी में और इस ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है कि नहीं। और ऑफकोर्स हाँ, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो मास्टर आज़ाद है जी हाँ, वो भी एक कास्ट के मेंबर है इस मूवी में, और वो चाइल्ड कामरान का रोल निभाएंगे, मतलब जो दिलीप जो मेन कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं कामरान अंपायर का जी हाँ दोस्तों, उसी को उसका जो बचपन वाला शॉट वो मास्टर आज़ाद करके निभाएंगे, उसका एक्चुअली मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ कौन है, एज अ चाइल्ड एक्टर वो चाइल्ड एक्टर है फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये मूवी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि इसका म्यूज़िक बैकग्राउंड काफ़ी बेहतरीन दिया गया था,
और म्यूजिक म्यूजिक की बात करें तो गोपी सुंदर ने म्यूजिक दिया है, और गोपी सुंदर ने इससे पहले मलयालम मूवी में काफ़ी सारी मलयालम मूवी में म्यूजिक दे चुका है। और ऑफकोर्स इससे पहले टू स्टेट एक आई थी मलयालम मूवी, उसमें भी दे चुका शायद मुझे चाहते क्या टू स्टेट या टू कंट्री करके कोई मूवी थी मलयालम मूवी, इससे पहले मैंने उसका रिएक्शन किया हुआ है। आप आई बटन से उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, मैंने ऊपर में आई बटन दे दिया होगा, आप जा सकते हो। तो गोपी सुंदर ने इसका म्यूज़िक दिया है और काफ़ी बेहतरीन दिया है और काफ़ी पावरफुल म्यूज़िक है इसका। और ऑफकोर्स इसकी जो रिलीज डेट की बात करें तो 14 अप्रैल 2018 इसकी रिलीज डेट है। और इसी के साथ में अगर बाकी एडिटिंग वगैरह की बात करें तो सुरेश अर्स ने इसकी एडिटिंग की है, और जो प्रोडक्शन कंपनी है वो श्री गोकुलम यानी कि मुरली गोपी की ही कंपनी है प्रोडक्शन कंपनी। मुरली गोपी वही एक कैरेक्टर है जो इस मूवी में केलू नंबियर का रोल निभाएंगे, और उसी के साथ में इस मूवी का रिटर्न वर्क भी उन्हीं के हाथ होता है। तो डायरेक्टोरियल की बात करें हम लोग तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रतीश अंबाट वो इनका फर्स्ट मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एडवर्ट इससे पहले वो एडवर्टाइजमेंट शूट करते थे, और ये इनका डिबेट है डायरेक्शन वर्क। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि उसी से आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती है। सो आई विल विद यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स बाय बाय।